अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूपी को अनलॉक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल और जिम खुलेंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी के साथ राज्य सरकार भी लगातार लोगों को ढील देने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार 5 जुलाई से अनलॉक को आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। योगी सरकार ने कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है। कोरोना प्रबंधक के लिए गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया कि महामारी की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए सोमवार यानी 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल खुलेंगे, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम में को भी खोला जाएगा। सभी जगह कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन होगा। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। बता दें यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट हाई लेवल पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अनलॉक को और बढ़ाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। काबू में कोरोना के आते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, सिनेमा हॉल और जिम खोलने के भी आदेश दे दिए गए हैं। गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि इतने लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था, सैटरडे संडे वीकली लॉकडाउन अभी भी जारी है। जिस तरीके से दुकानें खुली जा रही थी, हालांकि जो जिम हो गए, मल्टीप्लेक्स हो गए, ये सब बंद चल रहे थे, लेकिन 5 जुलाई से इनको खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पांच जुलाई से यूपी में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल। गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया। सिनेमा हॉल और जिम खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 5 जुलाई से यूपी में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ वक्ता कृष्णपाल श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अजेंद्र जुड़े हुए हैं जौनपुर से, माफ कीजिएगा, अजीत गिरी जुड़े हुए हैं जौनपुर से, और हमारे साथ नीरज हैं बलरामपुर से। सबसे पहले मैं कृष्णपाल जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया हालांकि धीरे धीरे शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब जिम, मल्टीप्लेक्स खोलने की परमिशन जो है वो भी दे दी गई है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है 5 जुलाई से खोलना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क लगाना और 2 गज दूरी अभी भी जरूरी। जी ऐसे बिल्कुल, देखिए जहाँ तक हम श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती चूंकि नेपाल से सटा हुआ जिला है और जो 5 तारीख से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा और स्विमिंग पूल और जिम वगैरह खोलने की बात सरकार की तरफ से की गई है, तो उसके साथ साथ सतर्कता भी यहाँ पर बरती जानी का काफी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि 2 दिन पीछे ही बहराइच जो हमारा पड़ोसी जिला है वहाँ पर कोविड के जो है केसेस बढ़े हैं, और इसका कारण ये बताया गया कि क्योंकि नेपाल से सटा हुआ जिला होने के कारण नेपाल से लोग अक्सर आया जाया करते हैं, जिसके कारण से कोविड का जो है संचारण हो रहा है। जहाँ तक श्रावस्ती की बात है, श्रावस्ती में भी सावधानियां लगातार बरती जा रही है। पिछले हम अगर 15 से 20 दिनों की बात करें तो यहाँ केसेस में काफी कमी आई है, और जो केस है वो सिंगल डिजिट में है, 6 से 7 केस मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं जो पॉजिटिव केस है कोरोना के, तो ऐसे में श्रावस्ती के लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन इस राहत के साथ साथ सावधानी भी बरती जानी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी ढिलाई बरतेंगे तो निश्चित ही हम एक बार फिर से जो है कोविड के संक्रमण के तरफ बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक हम सरकार
के इस दिशा निर्देश की बात करें तो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश 5 तारीख से लागू किया जाएगा उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से पहले सरकार ने धीरे धीरे ही सही लेकिन जिस तरीके से व्यापार में लोगों को छूट दिया है उस व्यापारियों में भी इस बात को काफी सराहना सरकार की जा रही है कि जिस तरीके से संक्रमण काल को रोका और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बार के बाद एक कदम लगातार उठा रही है उससे निश्चित ही उनका फायदा हो रहा है। जहां तक हम प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन द्वारा अब भी जो है कोई जो ढिलाई नहीं बरती जा रही है। प्रशासन लगातार इस पर जो है नजर अपनी बनाए हुए है और मास्क की लगातार चेकिंग जो है वो पुलिस के द्वारा भी और प्रशासनिक अमले के द्वारा लगातार की जा रही है। लगातार हमें देख रहे हैं कि जो सामूहिक भीड़ वाले स्थान है वहां पर सैनिटाइजर और मास्क का लगातार जो है प्रयोग कराया जा रहा है। अब चूंकि ये माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में जो है कोरोना की तीसरी लहर आनी है ऐसे में ये आगे भी हमको ध्यान रखना होगा कि भले ही हमें को सरकार की तरफ से छूट मिल रही हो लेकिन हमें अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और तभी हम इस तीसरी लहर से जो की संभावित है उससे हम बच पाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कृष्णपाद ये बहुत ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही ना होने पाई इसका ध्यान रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की। भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही हो लेकिन कहीं ना कहीं केसेस को अगर कम करना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मास्क लगाकर और 2 गज दूरी का पालन करें। जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है जौनपुर में? 5 जुलाई से चूंकि उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिम मल्टीप्लेक्स खोलने के आदेश दिए गए हैं, सिनेमा हॉल्स भी खुलेंगे, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? क्योंकि एक जो हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक हुई और तीसरी लहर संभावित जल्द ही आएगी, उसके लिए लेकर भी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम मास्क और 2 गज दूरी का पालन करें, तो इसका पालन किस तरीके से करा जाएगा, इसको लेकर क्या किसी तरीके की कोई रूपरेखा तैयार की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो नई गाइडलाइंस आई है कि 5 तारीख को जिम और सिनेमा हॉल खोलने के आदेश आए लेकिन जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि हर जगह जो प्रोटोकॉल है, जो कानून, जो नियम है उसे फॉलो किया जा रहा है। गाँव गाँव में जैसे वैक्सीन लगाई जा रही है, गाँव गाँव में आशाएं जा रही हैं, गाँव के सभी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, सबको जागरूक कर रही है और मास्क और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है और सभी को मास्क लगाने की हिदायत, हालांकि जो मास्क नहीं लगा रहा है उनको चालान भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कर बता दूं आपको कि जिस तरह की कहा गया था कि सैटरडे संडे बंद था और जिम जो पहले बंद थे 5 तारीख से खुलने के आदेश थे लेकिन जनपद जौनपुर में ऐसा कुछ नहीं था, जनपद जौनपुर में जिम खुले हुए थे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कुछ लापरवाही भी रही कि जौनपुर जिला अधिकारी निर्देश देते रहे लेकिन कोई जो निचले स्तर के अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही। भले ही जिला अधिकारी लाख तमाम मेहनत कर रहे हो लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी लगातार लापरवाही रहती है। जी हाँ बिल्कुल अजीत, आपने जाने की कोशिश की कि जब परमिशन नहीं थी तो आखिर जिम क्यों खोले गए, क्या किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की गई? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की जिम और सब काफी सारी चीजें बंद होने के आदेश थे, यहाँ तक कि सिटी मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पर क्यों न्यूज पे खबर भी दिखाई गई थी, क्यों दिखाया भी था लेकिन यहाँ के अधिकारी जो निचले स्तर के जाए सिटी मजिस्ट्रेट देख लीजिए आप, चाहे पुलिस का विभाग देख लीजिए, काफी लापरवाह है। आखिर जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक कब तक खुद खड़े होकर ये कार्य कराएंगे? इतना निचले कहीं ना कहीं कि बड़े अधिकारी डर नहीं है या भय नहीं है या ये कह लीजिए, अगर जब जो चीज कोविड की बंद थी, जो गाइडलाइंस थी, जो चीज बंद करने के आदेश थे, आखिर वो क्यों खोला गया? अगर खोला गया तो किस अधिकारियों के आदेश से खोला गया? अगर लापरवाहियां तो जरूर देखी गई है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए, नीरज आपसे जाना चाहेंगे, बलरामपुर की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है, 5 जुलाई को लेकर कितनी तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, क्या इसको लेकर किसी तरीके का कोई अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि मास्क और 2 गज दूरी बहुत जरूरी। जी यशन जी, मैं बता दूं आपको कि जो जिम संगठन है या जो मतलब पार्क संगठन के जो संगठन लोग थे, इन्होंने कई जिलों में प्रदर्शन किया था कि उनके जो व्यापार है वो नुकसान हो रहे हैं उनको, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने अब आदेश दे दिया है कि 5 तारीख से ये सब खोले जाएंगे। और उसी के साथ अगर सुरक्षा की बात करूँ कोरोना से, तो यहाँ पर जो जिलाधिकारी श्रीमती हैं और SP हेमंत कुटियाल, उनके द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं
लोग को मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जा रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। और अगर हम कोरोना की बात करें तो बलरामपुर में इस समय कुल जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो 14 है और लगातार मतलब इसमें स्वास्थ्य टीम जो है गाँव बिल्कुल नीरज कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहना चाहिए अधिकारियों को, ताकि आगे जो समस्या है वो ना खड़ी हो पाए और तीसरी लहर के लिए हम पहले से ही तैयार रहे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 5 जुलाई से यूपी में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और आपको बता दें कि सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे, जिम भी खोले जाएंगे, आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। लेकिन 2 गज दूरी और मास्क लगाना अभी भी बहुत जरूरी। गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिए दिशा निर्देश, योगी सरकार का बड़ा फैसला। और कोरोना महामारी से जूझ रहे आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार